बॉयज आज है डे टू। ये शहजादी, वो दूसरी भाई वाली शहजादी सामने खड़ी हुई है। अच्छा मैं आप लोगों को, एक तो रिक्शा आ गया भाईजान, आज डे टू है तो दोबारा से बता दूं कि कल हमने ये वाला जो काम था, ये देख रहे हो ये पैनल्स जो थे ये साफ नहीं करवाए थे, ये जो किट ये वाली जो थी शीट, सॉरी ये नहीं डलवाई थी, ये जो आगे बॉडी किट थी ये हमने दे दी थी, ये हमें आज मिल जाएंगी इंशाल्लाह होपफुली। वो भाई कलर लेने गए हैं तो लंबी नहीं करते भाई को, आज टाइम दिया है तो फटाफट जा आगे भाईजान गाड़ी उनको लेके ना। मसला ये कि गाड़ी उनको देनी पड़नी है तो गाड़ी उनको दे के अपना मैंने आगे जाना जरा काम मुनीब के साथ, तो फिर हम उधर चलते हैं। करम अल्लाह का आप सुनाए, ये अभी शुरू हो रहे हैं हमारे पैनल, रंग लेके आए हैं वो भी जाके। अच्छा तो मतलब शाम को मिलेंगे? ले लेना शाम, कितने बजे आऊं फिर? फिटिंग तो नहीं कर सकता, फिटिंग क्यों सुबह यार, भट्टी साहब इतना मुश्किल काम है नहीं वैसे, फिटिंग मुश्किल का काम नहीं है। चलो मैं देखता हूँ, अगर मुस्तफा बैठा है तो उससे करवा लूंगा। सुन तो लो जी जी, अल्लाह के बंदे तो कम बात ये है, ये सूखेगा तो लगाएगा, अगर मैं इसको लगाता हूँ लॉकर लैकल वो तो चाहे 2 घंटे में फिट कर दे। ठीक है, मैं कहता हूँ जो इसको लगे बॉडी के साथ है, अगर वही चीज हो देखने वाला के जेन्युइन है तो मजा तब आएगा। मैं समझ गया, चलो कर दो बेटा, मैं जेन्युइन लेके आया हूँ। मैं समझ गया, 2000 को तो मैंने सोचा ही नहीं है, मैंने सोचा ये ठीक जाना चाहिए। बड़ी साहब ये आपका प्यार है। हाँ, मैं फिर मुस्तफा के पास चक्कर लगा लेता हूँ, 2 काम उससे भी करवाने थे, फिर उसे तो कल लगवा लूँ आपसे, देख लेते हैं जैसा बनता है। ठीक है, कह रहे मैं कह रहा हूँ अगर ना सूखा आप कहते हैं कि नहीं लगाना नहीं अभी, तो फिर कल लगवा लेंगे। हाँ, कल लगवा, चलो इस तरह को बना लेते हैं, मैं आता हूँ। अगर आपने आना है तो 2 घंटे 3 घंटे में चक्कर लगा, चलो ठीक हो गया बड़ी साहब, ओके। हाँ पूरा 1 घंटा तो 1.5 घंटा एक पैनल ने मेरा लेना है। वो तुहाड़ी गल सही है, प्यार मोहब्बत दसो हूँ की है, साफ शीशा कंडीशन होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए बस दोनों साइड। अच्छा तो भाई लोग वो जा रहे हैं मुस्तफा भाई, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं सीन के भाई दिन क्या क्या उन्होंने करना है। ये तुम लोग देख रहे हो ना पैनलों की हालत भाई, ये क्योंकि ना ये डबल टेप से और पीछे से लगता है, बीच में बहुत फर्क है। ठीक है, उन्होंने दोनों साइड के जो पैनल है ना उनको भाईजान उतार के साफ करके फुल भाईजान चिकना करके ना फुल यम पम दोनों साइडों पे लगाने, बार शीरे का जितना काम है ना वो ऑलमोस्ट सारा मारा हो जाएगा। फिर हमने गाड़ी को साफ कराना, देन वी आर गुड टू गो। अभी काशिर भाई आ रहा है, काशिर भाई आप लोग काशिर भाई को जानते हैं, काशिर भाई ने आना उसके साथ जाना, हमने गाड़ी हमने मुस्तफा भाई को दे देनी है तो 3-4 घंटे के लिए और फिर काम निपटाना। आ जाओ लो भाईजान, गाड़ी हमने दे दी है मुस्तफा भाई को, ठीक है। काशिर भाई फिर हमने आगे जाने के लिए बर्थ देख रहे हैं तो लेट्स गो चलें भाईजान। आफ्टर सो मच ख्वारी हम लोग आए कार मेले पे, क्योंकि हमें अच्छी गाड़ी मिली रही तो सोचा यहाँ पे देखते हैं शायद यहाँ पे कोई रेट शेट बन जाए। अच्छा भाई जान सीन को जिस तरह हुआ है, काशिर भाई अभी तक हमारे साथ ही है, क्या कहते हैं गाड़ी हमारी एक गाड़ी है जो थोड़ी बहुत फाइनल हुई है और मुझे भी पता लगा कि आज है बाबा की बर्थडे, तो मैंने बहन को कॉल किया, मैं कहा भाई कुछ सरप्राइज वाला सीन करते हैं, कुछ सीन बनाते हैं, स्ट्रीम पता नहीं आज हो ना हो, लेकिन बाबा जुवेद साहब को हमने कोई मजेदार सरप्राइज जरूर देना इंशाल्लाह। जी गाड़ी ये खड़ी हमारी। हाँ जी मुस्तफा भाई क्या प्रोग्रेस है? हूँ शुरू करने लग गए हो यार, उस्ताद जी मर्जी जे हूँ शुरू करना, तो वेला कदों होना है? 6-7 बजे ए वेखना जरा, 6:20 हो गए ने, मर्जी उस्ताद जी थोड़ी। ये वाला उतर गया था, वो वाला जो था वो टूट गया था, तो ये दोनों पेंट होने के लिए, नए बाय करके पेंट होने के लिए मैंने दे दी हैं, मेरे 2500 के मिले थे, 2000 का पेंट हो रहा है, 5500 के दोनों पड़ गए। उसके अलावा ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हालत देख रहे हैं पैनल की, ये सारा उतरेगा साफ होगा और फिर डबल टेप से वीएपी करके लग जाएगी, ये जो गैप्स है ना ये सारे खत्म हो जाएंगे। मुस्तफा भाई ने भी काम स्टार्ट किया और मैं बड़ी साहब की कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि भी अगली जो किटे थी ना ये वाली वो कह रहे हैं भाई हो गई है। मुस्तफा भाई भी कह रहे हैं कि भाई किटे ले आओ तो बम्पर वो निकालेंगे साथ ही वो फिट कर देंगे, पैनल साफ हो रहे हैं तब तक बस किटे ला के काशी रुपये हमने बेला कर देना, काशी रुपये अपने घर के ला देना। अल्लाह क्या बात है जियो, फिटिंग नहीं हो सकती, फिटिंग वो कर देगा मुस्तफा। अच्छा भाई लोग ये आ गए हमारी दोनों बॉडी किटे, ठीक है। एज पटी साहब ने हमें बोला था कि भाई जा की तरह इसको सुखाना है, तो ये अभी सूखेगी। और काशिर तुरे निकलना है, चल ठीक है, तो ओके कर तू निकल। काशिर भाई जा रहे हैं घर अब, ओके चैट बोल गया मैं, लाइव स्ट्रीम हो रही थी। अच्छा इसके बाद अभी गाड़ी लेके जाके भाई जान हमने जरा सीन पार्ट करना है, जुवेद साहब वाला, जुवेद साहब की बर्थडे है इंशाल्लाह, तो जुवेद साहब के लिए केक शेक गिफ्ट लेना है, जब ये यहाँ से वेले हो जाएंगे तो इंशाल्लाह बाकी भाई जो है वो भी पहुँच जाएंगे, बहन भी पहुँच जाएगी, तो फिर हम जुवेद साहब की बर्थडे मनाएंगे इंशाल्लाह। हाय भाई लोग अभी भी बहुत टाइम है और ये साइड का जो पैनल है ना ये फिटिंग हो चुकी है, लेकिन ये भी साफ होगा जब इसकी हम सर्विस वगैरह करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। फिटिंग गोला शोला था भाई वो साफ करके फुल वीआईपी कर दिया हुआ है, अभी बोनट और अगली साइड का काम रहता है यार। और अभी मैंने घर वालों को बुला लिया हुआ है, बाबा की बर्थडे है वो भी देखनी है, तो पता नहीं कितना टाइम यहाँ पर लगेगा यार। वैसे मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है, जुवेद साहब की मुझे कॉल आई है, कहते मेरी बर्थडे है तू क्या कर कह रहा है, मैंने कहा बाबा प्लान किया हुआ कुछ नहीं, बाबा कहते प्लान क्या किया हुआ है, मेरी माल आ रहा है, मैं कहा बाबा 22 साल का हो गया अभी भी आपको अपने नंबर की पड़ी हुई है, भाई हमारा नंबर आ रहा था, बाबा जाके से हंस रहे थे, लेकिन ये भाई की बाइक है इस पर भी मैं आया हूँ,
अभी वहाँ पे घंटा लगेगा बहन और जो वहाँ मतलब सारे बहन भाई पहुँच रहे हैं 8 बजे तक। मुझे लग रहा है मैं सबसे ज़्यादा लेट होऊंगा, अभी भी काम पड़ा हुआ है, तो चलते हैं देखते हैं कितना काम है भाई। जैसे काम होगा गाड़ी वॉश नहीं मैं करूँगा, वॉश करानी सुबह, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तुम लोगों ने देखा होगा वो पेंट वगैरह हुआ है, वो कह रहे थे सुबह आराम से वॉश करा लेना, चिल सीन है। तो इसको चलें यार, टाइम बहुत कम है हमारे पास। मैं खुश हो जी थोड़े काम में, बड़ी मेहरबानी, ट्रांसफर तो हो गए हैं थोड़ी खुशी नाल, तो मैंने हम दे इजाजत भाई। लोग हमारे काम शाम अलहमदिल्ला सारे के सारे कंप्लीट हो गए थे, और आप लोग देख सकते हैं कि पेट्रोल की सूरत हाल बहुत बुरी हो गई है। सीन इस तरह भाई, मेरी बहन मुझे गालियां दे रही है कि भाई जल्दी घर पहुंच, सारे तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ जवेद साहब के लिए केक लेने, केक लेना है, बाकी चीज़ें मतलब ना मैंने समझा दी थी कि भाई क्या क्या है वो हम लोगों ने आपस में कर लिया है। जवेद साहब के लिए हमने केक लेना है, ठीक है, केक तो बाहर बैठे होते हैं, हमारी स्ट्रीम भी देख रहे होते हैं। खैर मजाक कर रहा हूँ, ये वाला केक लेना है असल, केक लेके आगे जो फैमिली वाला सीन है, तो जवेद साहब की कोशिश करूंगा व्लॉगिंग श्लॉगिंग थोड़ी सी कर लें यार, तुम लोग डिमांड करते हो भाई जवेद साहब का व्लॉग बना, वो ट्राई करेंगे। और भाई जान गाड़ी आपको इंशाल्लाह सुबह देखने को मिलेगी, क्योंकि यार वो हल्कर का पेंट हो, तो वो मुझे ये कह रहा था कि यार अभी फिलहाल ना आप वॉश ना कराना, वॉश सुबह आराम से करा के जो भी अपने मामला करने कर लें, तो सुबह वॉश कराएंगे, सुबह आप लोगों को भाई फुल यम पम गाड़ी दिखा देंगे कि भाई क्या क्या काम हुआ, कैसे कैसे हुआ, कितने पैसे लगे, और अब लुक कैसी है। लो भाई लोग, ये हमने जवेद साहब के लिए केक कर लिया रेडी, और भाई फुल वी आई पी जवेद साहब के लिए, और साथ ये चीज़ें भी पकड़ ली हैं, लेट हो रहे हैं तो फटाफट घर चलते हैं। भाई गालियाँ पे गालियाँ पड़ रही हैं कि भाई जल्दी आ जा, केक हमने ले लिया है, चलते हैं, लेट्स गो। जवेद साहब की बर्थडे भाई, जवेद साहब की बर्थडे, और हम लोग लेट हो रहे हैं, रेडी हो गए हैं, वो जा रही हैं दो गाड़ियां आगे वाली, वो ऐसे में वाली है, पीछे भाई जा रहा है। जवेद साहब बैठेंगे हमारे साथ, जवेद साहब का इंतजार कर रहे हैं, लेट्स गो, लेट हो गए। ओके बाजी भाई जान, जवेद साहब के साथ लोग बड़ी मुश्किल से बनेगा भाई जान, मैं पहले बता रहा हूँ छुप छुप के, मैंने क्लिप्स बनानी है चाबियाँ की तरह। भाई दबे मान भी, मान भी, ईमान से भी आप लोगों को मिलवाता हूँ। भाई लोग देखो मुझे कौन मिला, ईमान। ईमान हाय बोल दो सर को, अब मेरा बेबी। अभी भाई मैं बाहर आगे के लिए बना रहा हूँ, फैमिली में भाई जान ब्लॉगिंग वगैरह अलाउड नहीं है, मैंने कहा सोचा तुम लोगों को ईमान से मिलवाऊँ, तो वो देख अपनी हालत क्या कर गंदे बेबी। लो चलो चलो अंदर चले, लेट्स गो, चले 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 अंदर, सारे हमारा वेट कर रहे हैं, चलो लेट्स गो ईमान चले अंदर। हैं इस चेयर पे बैठ के गुस्सा गुस्सा, ईमान को गुस्सा देखो कितना है। हाँ इसका बलून मेरे पास आ गया, आओ देखो। हाँ अब तो नहीं मैंने देना इसको, ईमान चाहिए अच्छा ये लो ये लो ये लो ये लो, इसके काम चेक करो, इसके काम चेक करो जरा, ईमान है और ईमान के बाबा हैं, और देखो कितनी खुश है बलून के साथ खेल रही है। पहले पहले बोला खाओ, पहले बोला गरम है ये वाला, ये लो खाओ। खाना आ गया, ईमान अपना खा रही है, हम लोग अपना खाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो मैं अभी आया हूँ केक लेने, क्योंकि केक पड़ा हुआ था गाड़ी में। यार यकीन करो जवेद साहब इतने खुश है ना, बाबा का पता क्या, बाबा ना असल में ना घर से बाहर निकलते नहीं है बहुत कम। अब आज बर्थडे थी ना, तो मैंने सारा प्लान व्लान किया, मैंने लाइक मुझे पता था अगर मैं कहता ना कि बाहर चल के कहीं सेलिब्रेट करते हैं, तो बाबा कभी भी ना जाते, वो कहते नहीं घर ही करनी है। लेकिन मैंने बहन के साथ कहा, मैंने कहा भाई तू आ तो जरा सीन बनाते हैं। यकीन करो अभी बाबा की इतनी एक ना बाबा को खुशी है, मतलब एक इंसान वैसे ही इंसान का मूड चाहता ना, वो मुझे देखने को मिल रहा है, आई एम सो हैप्पी यार लिटरली। अच्छा ये पड़ा हुआ केक, ये अभी हम लोग लेके जाएंगे तो केक कटिंग करेंगे। यार मैं मुझे पता है मैं छोटे छोटे कोई क्लिप में बना रहा हूँ भाई जन, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी मुश्किल से बना रहा हूँ। जवेद साहब बैठे मेरे साथ भाई, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है मेरे साथ व्लॉग बनाना। वो एकदम परेशान हो गई, हुआ क्या? अभी हाथ मारेगी, मुझे लग रहा है हाथ मारेगी बाजी। हो गया पे करके आ, शुक्रिया, थैंक यू। तो पाजी तो प्लानिंग मैंने की है, तो फिर ट्रीट भी मेरी तरफ से। यार पाजी मैं आप अलग थोड़ी एक ही है, खुश है आज, मजा आया ना बाहर होने का। भाई अब घर वालों को घर लेके जा रहा हूँ, और यार मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ यार। जवेद साहब के चेहरे पे ना एक मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे लेके ना उनके चेहरे पे स्माइल थी यार, मैं बहुत खुश हुआ हूँ अल्लाह की कसम यार, अल्लाह की कसम चैट, अल्लाह की कसम भाई। लोग ऐसा लग रहा था शायद बाबा मेरी वजह से शायद खुश हुए यार, ये अल्लाह तेरा शुक्र कि अल्लाह ताला ने मुझे दिन दिखाया यार, मतलब ही वॉज वेरी हैप्पी यार, कसम से मजा आ गया। बहर अल्लाह वो इंतजार कर रहे हैं, तो उनको पिक करना है और फिर घर जाना है, केक खाएंगे घर जाके, वो चिल सीन है। और हाँ भाई लोग, अब ना जरा ना अब जरा मैं, क्योंकि आज है संडे, आज मैंने स्ट्रीम ही नहीं की, तो आज जरा है फैमिली डे, तो भाई जान मेरे हिसाब से ना जरा जवेद साहब के साथ बाबा इतने खुश हैं, तो उनको ना मेरी चीज से शुरू है कि मैं ना काम पे ध्यान देता हूँ, जब कोई मेहमान हो तो मैं बैठता नहीं, तो मैं जरा बैठूंगा उनके साथ,
और हाँ गाड़ी का जहाँ तक मामला था, गाड़ी इंशाल्लाह आप लोगों को ना सुबह इंशाल्लाह दिखाऊंगा, अभी मुझे जरा अभी जाते दे दो, सुबह इंशाल्लाह फुल भाईजान साफ सुथरी करके फिर तुम लोगों से मुलाकात कर। लो भाई लोग आफ्टर ट्रिप, आज भाईजान इसकी पूरी की पूरी ना सफाई होने लगी अंदर बाहर से, तो देखते एक दफा हो जाए फिर जितने भी काम शाम है ना वो तुम सारों को दिखाता हूँ भाईजान क्या सीन हुआ था। चाचू मजा आ रहा है चलान दा, शशके ले रहे हो बच्चे हैं यार, अब लगवाया तो अच्छा भाई लोग माशाल्लाह से जो सारे काम थे वो गया, मैं तुम लोगों को बारी बारी दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साफ होगी भी है ना, तो ये तुम लोग पैनल देख रहे हो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी थी, ये सारी साफ होगी, ये ठीक है। उसके अलावा मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, रुको 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 रुको, जितने काम हो गए हैं वो और जो होने वाले हैं वो भी दिखाता हूँ। ये वाली साइड थी ये भी साफ हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ये शील्ड लगनी थी ये भी लगी हुई है। इसके अलावा मेरी जान ये जो बॉडी किट थी ये तुम लोग देख सकते हो, ये नहीं लगी है, ठीक है। ये सारी पेंट हो गए, ये फुल यम्पम हो गया सीन, और गुजारने हो रही हैं तो फटाफट मैंने भी घर निकलना है। ये जो तुम लोग साइड देख रहे हो ना, यहाँ पे एक वो स्प्लिटर आते हैं पैनल कहते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, वो अलग करवाने हैं अभी पूरी। मैं कह रहा हूँ लाइक बहुत काम पड़े हुए जो मैंने इंशाल्लाह अभी समझ लो, जो गाड़ी जिस कंडीशन में थी ना उस कंडीशन में आ गई, तो इंशाल्लाह दोबारा से करेंगे। ये बैजेस तुम लोग देख रहे हो ये रिमूव हो गए थे पता नहीं वॉशिंग में, ये करवाने हैं। स्पॉइलर थोड़ा सा बुरा लग रहा है, ये चेंज करवाना है। रिम टायर हैं, रिम टायर के मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है वो पैसे भाईजान अब कुर्बानी भी चले जाने, बट कोई नहीं कर लेंगे, मसली बात नहीं है। इसके अलावा अभी तुम लोग समझ लो कि गाड़ी ना जिस कंडीशन में थी ना, जो छोटे मोटे काम जो चीजें टूटी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी हो गई है, ओके फुल यम्पम। अब आगे इंशाल्लाह इसकी जो खूबसूरती के मामला था जो मैंने सोचे हुए हैं वो करवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्र है भाई डाउन करा के नहीं लेके, डाउन करा के लेके जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। बहरहाल अंदर से भी वजन फुल यम्पम साफ हो गई है, पेट्रोल इसका भी देखते हैं भाई भी सीन पार्ट करवाते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे करूंगा व्लॉग को एंड, एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे जवेद साहब को, जवेद साहब को बहुत सारी विशेज नीचे कमेंट में देते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ा दूं उनको, लव यू गाइस। इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा जवेद साहब के लिए मैसेज आ रहे थे, थैंक यू सो 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 मच। लाइक से सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे मैं करूँ व्लॉग को एंड, अपना ख्याल रखो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।